स्वागत है जो एक्सीलरेटेड सीरीज में। आइए हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है क्या है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप प्रॉब्लम की। इस प्रॉब्लम के अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड में, और इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो जनरली हम लोगों से पूछी जाती रहती है। बच्चों कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम हमारे सामने कुछ ऐसे आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल का यूज करके समझाता हूं। बच्चों देखिए, जैसे कि एक प्लेट हमें दी गई है, ये हमारे पास में स्टूडेंट पूरी प्लेट है, हम लोगों को वायर की तरह दिख रहा होगा, हालांकि ये वायर नहीं है, ये प्लेट है। और प्लेट को ना ऐसे वर्टिकल रखा गया है, ऐसे वर्टिकल। इसी बात देखिए स्टूडेंट, यहां हमें एक दूसरी प्लेट दी गई है बच्चों, इस प्लेट का नाम है V। एक प्लेट अपने पास में A है बच्चों और दूसरी प्लेट है अपने पास में V। अब हमें क्या कहा गया है बच्चों, हमें ये कहा गया है कि यहां का जो चार्ज है वो है 3Q और यहां का जो चार्ज है वो है Q। एक प्लेट का जो चार्ज है वो 3Q है और दूसरी प्लेट का जो चार्ज है वो Q है। आप जानते हैं कि जैसे ही दो चार्ज बॉडीज को हम एक दूसरे के नजदीक रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड काम करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड काम करता है बच्चों, प्लेट के दोनों साइड में चार्जेस की वैल्यू आ जाती है और डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस आते हैं। हमें ये बताना है कि जैसे ही दोनों प्लेट को एक दूसरे के नजदीक हम लोग रखेंगे तो इस प्लेट के दोनों साइड कितना चार्ज आने वाला है और इस प्लेट के भी दोनों साइड कितना चार्ज आने वाला है। जो देखो स्टूडेंट, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है कि यहां चार्ज कितना है 3q, यहां चार्ज कितना है q। आपको दोनों प्लेट के चार्ज को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अच्छा, प्लेट चाहे कितनी भी हो हमेशा आपको 2 से ही डिवाइड करना है। देखो इस प्लेट का चार्ज है मेरे पास में 3q, यहाँ का चार्ज है मेरे पास में q, दोनों को ऐड करना है और उसे डिवाइड करना है। सो मेरे पास में बनेगा स्टूडेंट 2q, बना 2q। दोनों प्लेट के चार्ज को ऐड करके जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास में 2q बना। 2q का मतलब है स्टूडेंट कि इस प्लेट के आउटर साइड में 2q का चार्ज आने वाला है और इस प्लेट के आउटर साइड में भी 2q का चार्ज आने वाला है। दोनों प्लेटों के चार्ज को 2 से डिवाइड करने के बाद जो अपना आंसर बना है ना बच्चों, उतना चार्ज दोनों प्लेटों के आउटर साइड में आने वाला है बच्चों। अब आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बताइएगा, इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है 3, है ना 3q। अच्छा, इस 3q में से बाहर की तरफ कितना चार्ज आ चुका है 2q, तो अंदर की तरफ कितना चार्ज आएगा जिससे कि इन दोनों का सम इसके बराबर रहना चाहिए। हम कहेंगे भैया कि यहां हमें चार्ज रखना पड़ेगा q, क्योंकि 2q को q से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3। समझ आ रही है ना बात। तो इस प्लेट के इनर साइड में q चार्ज हमारा आने वाला है बच्चों, और इस q चार्ज को देखकर यहां जो चार्ज आएगा वो आने वाला है माइनस q। इस प्लस q को देखकर यहां जो आने वाला है वो आने वाला है माइनस q। देखो माइनस q को प्लस q, प्लस q 2q के साथ आप ऐड करेंगे तो q आंसर बनेगा। यानी जैसे ही दोनों प्लेट को आप एक दूसरे के नजदीक रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड काम करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड काम करने के बाद इस प्लेट के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ इतना इतना चार्ज आ जाएगा बच्चों। बाहर की तरफ 2q, अंदर की तरफ प्लस q, अंदर की तरफ माइनस q और बाहर की तरफ 2q। उम्मीद करता हूं कि समझ आ रही होगी बात। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं और इस एग्जांपल से ये कांसेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। देखिए कांसेप्ट क्या है स्टूडेंट, जरा समझे हमारी बात को, एग्जांपल क्या है जरा देखते हैं। देखो भाई, यहां मेरे पास में एक प्लेट है और प्लेट पर चार्ज हमें दिया गया है प्लस के 2q। यहां जो चार्ज है इस प्लेट पर वो हमें दिया गया है प्लस के 3q। समझिएगा बच्चों बिल्कुल ध्यान के साथ। और यहां जो प्लेट है उस पर चार्ज हमें दिया गया है सिर्फ और सिर्फ प्लस के 2q।
ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है और ये प्लेट सी है। प्लेट ए, प्लेट बी और प्लेट सी, तीन प्लेटें मुझे दी गई है। स्टूडेंट मुझे बताना है इस प्लेट के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कितना चार्ज होने वाला है, इस प्लेट के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कितना चार्ज होने वाला है, और ऐसी ही कंडीशन मुझे यहाँ बतानी है। मुझे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक समझिए या कोई भी लॉजिक समझिए, वो ये है कि तीनों प्लेटों के चार्ज को आपको ऐड करना है और टू से डिवाइड करना है। जैसे ही तीनों प्लेटों के चार्ज को आप ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट बनेगा 2q प्लस bq प्लस q डिवाइडेड बाय 2। 2q और 3q, 5q, 6q डिवाइडेड बाय 2, आंसर बनेगा हमारे पास में 3q स्क्वायर। 6q को 2 से डिवाइड करके आंसर बना 3। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो आउटर प्लेट है, देखो ए वाली प्लेट और सी वाली प्लेट ना बिल्कुल आउटर प्लेट है, इस प्लेट के बाहर की तरफ यहां पर 3q चार्ज आने वाला है स्टूडेंट, और इस प्लेट के बाहर की तरफ भी 3q चार्ज आने वाला है। अब आप एक बात बताइए, इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है, 2q है ना, टोटल 2q, बाहर की तरफ कितना है 3q, मैं अंदर की तरफ यानी यहाँ पर कितना चार्ज जो रखूं जिससे कि इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आ जाए, मैं यहाँ रखूंगा -3q, क्योंकि -3 और 3q को ऐड करके 2q का आंसर आएगा बच्चों। अब आप आगे देखिए स्टूडेंट, -3 को देखकर यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो आएगा +3 इंडक्शन मेथड से। -3 को देखकर यहाँ आ चुका है +3, अच्छा टोटल चार्ज कितना है 3q, तो अब आप ये देखो कि टोटल चार्ज है 3q, यहाँ रखा है हमने q, तो यहाँ कितना चार्ज रखें जिससे कि इन दोनों का सम करके ये आंसर आए, यहाँ रखेंगे हम 2q, 3q, इस 2q को देखकर यहाँ आ जाएगा -3 2q और -3 2q प्लस 3q बन जाएगा बच्चों हमारे पास में q। इस तरीके से तीनों प्लेट के आउटर और इनर साइड में हम चार्जेस की वैल्यू को निकाल सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, तरीका क्या है ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। सभी प्लेटों के चार्जेस को ऐड करके हमेशा 2 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर इस प्लेट के आउटर साइड में और इस प्लेट के आउटर साइड में रहने वाला है बच्चों। फिर हम लोगों ने इंडक्शन मेथड लगाकर कंडीशन को सॉल्व किया। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, जो कोशिश करना कि आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाए। देखिए स्टूडेंट एग्जांपल क्या है जरा समझिएगा, एग्जांपल ये है कि एक प्लेट मुझे दी गई है और इस प्लेट पर जो चार्ज है वो है +2q। यहां एक प्लेट मुझे दी गई है स्टूडेंट, यहां का चार्ज है +q, ओके, और एक प्लेट मुझे ये दी गई है, यहाँ का चार्ज है +3q। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है और ये प्लेट सी है। आपको बताना है कि तीनों प्लेट के आउटर और इनर साइड में कितना चार्जेस रहने वाला है बच्चों। क्या लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है, हमें तरीका तो ये है कि तीनों के चार्ज को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाए। 3q और 2q, 5q और q, 6q, 6q को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का आंसर बनेगा हमारा 3q और यहाँ का आंसर भी हमारा बनने वाला है बच्चों 3q। अब आप एक बात बताइए, इस प्लेट पर चार्ज कितना है 2q, अंदर की तरफ कितना आएगा 3q, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा -2। -2 को देखकर यहाँ देख लीजिए कितना आने वाला है, समझ आ रही बात, उसी तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये -2 है, यहाँ आ जाएगा +2, +2 पहले से है तो यहाँ आएगा 0, इस 0 को लेकर यहाँ भी आएगा 0, ये कंडीशन हमारी बनने वाली है बच्चों। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का काम है, जो आपका क्वेश्चन है आप मुझे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करिए कि कितना आंसर सा आने वाला है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये है मेरा प्रॉब्लम, ए बी सी तीनों प्लेटों के आउटर और इनर साइड में कितना चार्ज रहने वाला है, ये आप लोगों को जो बताना है, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा।